रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने एक हदीस सुनी है, हदीस आपने सुननी है और याद रखनी है कि इसमें आदम अल्लाह का एक ऐसा इस्म भी है कि जिससे अल्लाह को पुकारा जाए तो अल्लाह ताला वो दुआ फिलफोर कबूल कर लेते हैं उसी लम्हे में उसी वक्त में। और अबू उमामा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इसमें आदम सूरत बकरा में भी है, सूरत आले इमरान में भी है और सूरत ताहा में भी है। कहा रसूलुल्लाह ने बस मुझे मेरे सामने यह बात की तो मैं सूरत बकरा खोल के बैठ गया, सूरत आले इमरान खोल के बैठ गया, सूरत ताहा खोल, ये सहाबी का कौल है, रसूलुल्लाह से सुना और उसके ऊपर गौर व फिक्र करने लगे कि ये क्या रसूलुल्लाह ने बात की है। कहा फिर मैं सूरत बकरा की इस आयत पे पहुंचा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, तो मेरे जहन में आया कि इसी से मिलती जुलती दो आयतें आले इमरान में और ताहा में मौजूद है, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अनातिल वुजूहु लिल हय्युल कय्यूम, ये तीनों आयतें कहा मुझे मिल गई और मुझे पक्का यकीन हो गया, यानी तीनों आयतों में क्या चीज एक सी है। इसी वजह से मुहद्दिसीन ने और मेरे जो नाना थे खुद बड़े शेहुल हदीस थे आफत मोहम्मद गोंदलवी रहिमाहुल्लाह, उन्होंने इसमें आदम की दीगर अहादीस और इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए एक वजीफ़ा लोगों को भी और हमारी फैमिली को बताया करते थे, और वो कहते थे कि मुझे यकीन है जैसे ये अबू मामा की हदीस के अल्फाज है और दीगर भी इसमें आदम के वाले से तीन हदीसें मौजूद हैं, मैं ये समझता हूँ कि कोई शख्स अगर इसमें आदम को पाना चाहता है तो वो यूं कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी शामिल है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम, ये मुश्किल नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम। और उनका ये कहना था, मैंने अपने जितने नमाजियों को और अल्लाह के फ़ज़्लो करम से तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ उनका ही सदका जारी है, जिस साथी को ये वजीफ़ा बताया कि ये 313 मरतबा पढ़ के इसमें आदम का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ करें, आज तक अभी तक मुझे किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। हाँ ये ज़रूर कहा कि अभी 313 के दरमियान कई दफ़ा पढ़ते पढ़ते शैतान इस तरह के वज़ाइफ़ पढ़ते हुए शैतान वसवसे डालता है, मानते हैं तो पूरे नहीं हो सके, तो जो बंदा ये समझता है एक दफ़ा 313 मरतबा एक नशिस्त में नहीं पढ़ा गया, तोड़ तोड़ के पढ़ ले, कोई हरज की बात नहीं है, 7 दिन 8 दिन आप तजर्बा करके देख लें, ये 313 मरतबा इसमें आदम का वजीफ़ा पढ़ें और कोई भी दुआ जो आप समझते हैं, उलमा के पास आते हैं दुआ कराना शरी वसीला जायज़ वसीले की किस्म है, लेकिन आप खुद क्यों नहीं करते, इसमें आदम का वास्ता देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें, अल्लाह ताला वो दुआ आपकी उसी वक्त कबूलो मंजूर करेगा। आज के बाद ये अल्लाह का इस्म है, ये अल्लाह के नाम है, अबू उमामा की इस हदीस से और मुहद्दिसीन के इस्तदलाल से आज के बाद ज़िंदगी के अंदर इस वजीफे को भी अपना लीजिए। और इसमें आदम के हवाले से जो बाकी दो रवायात हैं उनमें से एक रवायत ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बी अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये वजीफा भी कारी साहब मौजूद हैं, जो मोतकफीन हैं वो कुर्रा से याद करें, और जो अभी तेज़ी से याद नहीं कर सकते इसको इसमें आदम के इस वजीफे को भी अपने जहन में रख लें, ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इस शख्स ने अल्लाह से इसमें आदम से तलब किया, इसकी दुआ अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। और जो तीसरी रवायत है इसमें आदम की, उसमें याद अल जलाली वाल इकराम के और बदीउ समावात के अल्फाज भी मौजूद हैं। तो आपके लिए ये तीनों चारों वज़ाइफ़ इकट्ठे करके याद करके आयतल कुर्सी पढ़ें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ें, और ये जो वजीफ़ा आपके सामने रखा ये पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो दुआ करना चाहें इसमें आदम के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करता चला जाए।